खबर यूपी के जनपद औरैया से है, जहां बीती 8 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जलोखर के सामने मधुपुर नहर के सामने नाले में पड़ा एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर शव की शिनाख्त करवाई। महिला का शव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुंदरीपुर ग्राम प्रधान राजेश केतवार का अजय कुमार ने कपड़ों से अपनी चाची व माँ होने की पुष्टि की। टीम के द्वारा हत्या का सफल अनावरण किया गया, जिसमें महिला सहित चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने महिला की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की जाने की स्वीकार की। पुलिस अधीक्षक द्वारा हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। जलोखर के पास एक नहर के बंबे पर एक महिला की लाश हमको मिली थी। देखकर इतना पता चल रहा था कि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, झगड़ा हुआ है, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह टूटी हुई थी। पर मौके पर किसी ने कोई आई विटनेस नहीं था, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। चेहरा भी, लाश पुरानी होने के कारण चेहरा भी खराब हो गया था। तो तत्काल थाने का फोर्स यू साहिबान मौके पर पहुंचकर उसको जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाते हुए उनका पंचायतनामा और इवेंचुअली पोस्टमार्टम करवाया गया था। मैं ये बता दूं कि उनके कपड़े और जो हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की थी उसकी पहचान करवाने के लिए, उसी को वो सफल तब हुई जब 21 तारीख को ग्राम सुंदरीपुर के लोग आए। उन्होंने कपड़े वगैरह जो उसके पास से बरामद हुए थे उनको देखकर पहचाना कि वो महिला ग्राम सुंदरीपुर की रहने वाली है। उन्हीं के कथित बयान थे कि जो महिला है वो पिछले 2 सप्ताह से गायब है और गांव का ही रहने वाला कृपा शंकर के साथ आखिरी बार देखी गई थी। इसी लीड को फिर इवेंचुअली हम लोगों ने डेवलप किया, जिसमें आज वो महिला की जो हत्या है उसका खुलासा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसमें 4 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। मैं नाम बता दूँ, उसमें कृपा शंकर है, कृपा शंकर का लड़का, उसकी पत्नी व उसका भतीजा विश्वनाथ, ये अरेस्ट हुए हैं। घटना कुछ इस प्रकार से कारित हुई थी कि कृपा शंकर की महिला के साथ इल्लिसिट रिलेशनशिप थे, जिसको लेकर परिवार में कलेश रहता था। तो वही झगड़ा उस दिन इतना बढ़ गया कि ये बंबा किनारे जिसे दोनों पक्ष मिले तो आक्रोश में आकर ये घटना कारित कर दी गई। वहीं पर ही महिला में गुत्थम गुत्था भी हुई है और यही कारण है मौके से कई बाल और चूड़ियों के टुकड़े वगैरह मिले और फिर ईंट से उठाकर उसको मारा गया है। उसको चेहरे पर और छाती पर उन्हीं के चोट भी है, जो पोस्टमार्टम जिसको कंफर्म करता है। हाँ, इसको मैं इस बात को आप लोग गंभीरता से लेंगे कि बिल्कुल ही अज्ञात में ये मुकदमा था। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन भी आसानी से नहीं हो पा रहा था, पर केवल आइडेंटिफिकेशन ही, उसके बाद घटना का सफल अनावरण इसमें हुआ है, जिसमें कोतवाली प्रभारी सर्कल ऑफिसर अपर साहब सबका भरपूर योगदान रहा है और टीम में स्पेशली इंस्पेक्टर और जो उनकी टीम है उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।